बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई ने तोड़ दिए आशियाने। जी हाँ, हाईकोर्ट के आदेश पर बहराइच जिले के फकरपुर थाना अंतर्गत सराय जागना गांव में खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए 23 दुकान और मकानों को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश एक साल पहले जारी किया था। उसके बाद बहराइच जिला प्रशासन ने इन कब्जेदारों को नोटिस भी जारी की थी, लेकिन इन्होंने कब्जा खाली नहीं किया था। आपको बता दें कि खबर बहराइच से है, जहां बुलडोजर चला और बुलडोजर चलाकर 23 मकान ढहा दिए गए। बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बहराइच प्रशासन ने यहां बनाए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। आसियाना उजड़ते देख परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से कहा कि हमारा मकान गिरा दिया, अब हम कहां जाएं, सरकार हमें भी गोली मार दे। रोइया ना, बताइए बात। ये सब बताओ, बताओ। 80-90 साल, 90 साल के युवा है, 90 साल के युवा बाबा है मार। उसके बाद में आदमी मर गवा, तब सबके चिरौरी मिनती किया, तब कॉलोनी बनाई दिन, तब कॉलोनी बन हमारे त्रिपाल तना रहा है। खाली कनेक्शन है लाइट का? हाँ, लाइट ये तो लगवाई ना है। फ्री वाला जब मोदी चला रहा था, फ्री लाग रहा हमारे पैसे से, जो लेटो नहीं लाग रहा। घर कैसे बना? रो रही हो? हमारे घर गिरा, जहाँ पे हमने जमीन दम को भी सुहाना ही है। हम कहाँ रही, हम कहाँ चले गई, मर गई, हमका गोली मार कहीं बगैर आदमी मांग ले। कितने साल से रह रही हो? 70-80 साल हो गए। 7 दिन आपको बता दें कि यहाँ खलिहान के रास्ते की जमीन पर गांव के लोगों ने अपने अपने घर, दुकान, मकान बना लिए थे और ये सभी यहाँ 35-40 साल से रह रहे थे। और यहाँ पर रहने वाले परिवारों की संख्या अगर बताएं तो लगभग करीब 100 के आसपास थी। जब बहराइच जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर वहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने अपने आसियाने खुद गिराने शुरू कर दिए। पुलिस टीम के पहुँचने से पहले ग्रामीणों ने अपने हाथों अपने आसियाने तोड़ना शुरू कर दिया। सरकारी जमीन पर लोगों ने अपना आसियाना तोड़ना खुद शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश जारी किया था और इसी संबंध में बहराइच जिला प्रशासन ने डिमोलिशन की यह कार्रवाई शुरू की थी। आपको बता दें कि मामला फकरपुर विकास खंड के सराय जगना गाँव का है और जहाँ पर रास्ते की जमीन पर यहाँ के रहने वाले बासिंदों ने अपने अपने घर दुकान बना लिए थे। आपको बता दें कि 2 साल पहले यहाँ पर दो पक्षों में आपस में रास्ते को लेकर एक बवाल हो गया था। यहाँ पर रहने वाली गुड़िया को रास्ता ज़्यादा मिलना था, लेकिन पड़ोसी जो जावेद था वो गुड़िया के लिए महज 3 फुट रास्ता छोड़ने को तैयार था। अब मामला इतना बढ़ा कि ये हाईकोर्ट तक पहुँच गया और उसके बाद इस रास्ते की नपाई शुरू की गई। जब नपाई हुई तब वहाँ पर तहसील को पता चला कि जिस जमीन को लेकर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दरअसल वो एक सरकारी जमीन है जहां पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके बाद ग्राम समाज और रास्ते की जमीन पर बसे 23 परिवारों को तहसील प्रशासन ने नोटिस भेजकर ये अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए, लेकिन 1 साल बाद भी कब्जा नहीं हटा तो जिला प्रशासन ने बुधवार को इन 23 मकानों, दुकानों को और पक्के निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया। अब गांव वालों का कहना है कि वहां वो तकरीबन 40-50 साल से निवास कर रहे थे और जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आज वो सब बेघर हो गए हैं। वहां रहने वाली कई महिलाएं रोती हुई दिखाई दी। मैंने तो कोई उसमें घर में ही अभी है, कुछ निकाले हैं घर, कुछ दुकान उकान सब खाली हो गई है। घर वाले हैं तो अभी तो सब घर ही पे हैं। अब जो प्रशासन आएगा, जो करेगा वही होगा। कितने बजे प्रशासन को आना था? 10 बजे का टाइम दिए थे, 10 बजे का टाइम दिए थे प्रशासन। 3 संख्या में 23 स्ट्रक्चर बने हुए थे, जिसमें 11 दुकानें थी और लगभग 4 ऐसे थे जो बाउंड्री वॉल थे, बाकी 8 के करीब मकान थे। तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उनको प्रॉपर नोटिस दिया जा चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। यूपी न्यूज 9 के लिए बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट।